बहुत दिक्कतें हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं अगर छोटे बच्चों और हम सीनियर सिटीजन की खास कर बात करें, तो जिस तरीके का पोल्यूशन का लेवल दिल्ली में अभी भी बना हुआ है वो किसी के लिए भी स्वस्थ नहीं है। वो चाहे हम बच्चों की बात करें, सीनियर सिटीजन की बात करें या यंग ब्लड की बात करें, क्योंकि पोल्यूशन इतना खतरनाक लेवल पर बढ़ा हुआ है जिसके लिए अगर हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम देखते रहते हैं टीवी पे कि राजनीतिक डिबेट चल रहे हैं, लेकिन डिबेट तो चलते रहते हैं लेकिन उसका कोई सोल्यूशन अभी तक आज तक कभी दिखा नहीं है। बात होती है सड़कों पर फिल्टर लगाए जाएंगे, प्यूरीफायर लगाए जाएंगे, लेकिन हम लोग रोज राइड पे आते हैं, हमें तो आज तक यहीं पर प्यूरीफायर इंस्टॉल होता हुआ दिखा नहीं। ये सिर्फ बात हो रही है हर सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन जब तक कदम नहीं उठाएंगे हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बात करते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, अब यहाँ पे आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन इस लेवल पर बढ़ रहा है कि जहाँ पे जंगल है वहाँ पे पेड़ काट के कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। हम एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें पेड़ लगाने हैं, दूसरी तरफ हम इस तरीके के प्रोजेक्ट ला रही है सरकार के, हम पेड़ काटने बढ़ रहे हैं। अगर आप मुंबई आ रहे की अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा हो, सबने देखा होगा, वहाँ पे कितने हजार पेड़ काटेंगे एक मेट्रो का यार्ड बनाने के लिए। क्या मेट्रो का यार्ड किसी बंजर जगह पे नहीं बनाया जा सकता? ये जो इस तरीके के स्टेप हमें उठाने ही जरूर पड़ेंगे। एक पेड़ पहले कहा जाता था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इंसान को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि एक इंसान को कम से कम 50 पेड़ लगाने चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम पूरे राइडर्स ग्रुप की तरफ से पोल्यूशन के लिए ठोस कदम उठाएं। और दूसरा, मैं सारी जनता से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप आ सकते हैं तो साइकिल चाहिए, साइकिल राइड चाहिए, कम्यूट अगर आपका ऑफिस नियर बाय है साइकिल से आप अपने ऑफिस जाइए, सो दैट हम पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल कर सके, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। बट अगर आपका ऑफिस बहुत दूर है तो इंस्टेड कि आप अकेले कार लेके जा रहे हैं, कार पूल को अपनाइए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाइए, सो दैट हम अपने देश के लिए कुछ तो कर सके, कहीं से तो शुरुआत कर सके। थैंक यू।